तो मीठे रस से भरी उड़ी। ये जो भजन है ना, ये बड़ा सुंदर है। कई लोगों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता कि खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी का जल कैसे खारा हो सकता? आप यमुना जी को यानी अपमानित कर रहे हैं। अपमानित नहीं है, यमुना जी का जल इतना मीठा है, इतना सुंदर है, लेकिन फिर भी श्री राधा रानी के रस के सामने फीका लगता है। राधा रानी के उपमान को बढ़ाने के लिए यमुना जी को जल को खारा कहा गया। राधा रानी का तो जो रस है, कह रहे हैं कि जो अहलाद है उस अहलाद का सार है प्रेम, और प्रेम का सार, प्रेम जब उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है तो उस अवस्था को कहते महाभाव। और श्री मन महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि राधा रानी जो है वो महाभाव का ही स्वरूप है। महाभाव रूप होन श्री राधिका ठकुरानी। जैसे एक गन्ने के रस से खांड बनती है, गन्ने के रस को निकाल करके उससे खांड बनी, खांड से चीनी बनी, और चीनी को जब और उत्कृष्ट रूप दिया गया तो वो चीनी से मिश्री बनी। वैसे ही हमारा जो आह्लाद है वो जब बढ़ता 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 जब महाभाव रूप में पहुंच जाता है, उसी महाभाव का नाम श्री राधा रानी।